think she got a thing for the supervillain. Someone that love you for you with a bomb feeling. Finally you got what you want, you can stop wishing. Answer to all of your prayers, this was God's vision. She was choosing, I can see it all in your vibe. Can't deny. हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं अमन और फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज में। आज हम आए हैं एम्थ्रियम मर्लिन, एम्थ्रियम आइकॉन जो यहां नई टावर है उसके रिगार्डिंग हम यहां जानकारी लेने आए हैं। तो सैंपल के तौर पर जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं उससे थोड़ा छोटा लेआउट, एग्जैक्ट साइज़ का कोई सैंपल नहीं है। सो वी आर शोइंग यू, आई एम गोना शो यू द फ्लैट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज। लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बट यू विल कम टू नो कि क्या आइकॉन में मिलने वाला है। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं फ्लैट की तरफ। So, ये हैं मर्लिन की सोसाइटी शॉप्स, टावर लॉबी। वेटिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया सामने ही है एंड ये आपका पूल एरिया। चलिए चलते हैं फ्लैट की तरफ। ये है आपका 3-bedroom अपार्टमेंट। एंटर किया, VRV यूनिट्स लगे हुए हैं एंटर करते ही। ये जो है आपका लिविंग डाइनिंग एरिया विच इज ओपन। Which has a balcony access. A balcony and a beautiful view of the city. अ ब्यूटिफुली डिजाइन किचन, बहुत अच्छी किचन है, ओपन स्पेस है विद अ यूटिलिटी बैल्कनी, ग्लेन की चिमनी हॉप। वाइट थीम यूज की गई है जैसे एंथ्रियम ऑलवेज जो है यूज करता है। लेट्स मूव टू द बेडरूम्स। कॉमन वॉशरूम, फर्स्ट बेडरूम, huge window, spacious design, exact जो layout मिलेगा आपको I'll give you the details in the description as well as you can contact me. My number is 8851591933। तो उस पर भी जाकर आप मुझे contact कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। This bedroom has a balcony और दरवाजे के अंदर ये washroom है। वॉशरूम का जो साइज है वो भी मुझे काफी कुछ जो है अच्छा लगा, इट्स बेटर यू नो। और चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये है बेडरूम, काफी स्पेशियस लग रहा है ये। यू नो व्हाट द थिंग इज कि वार्डरोब नहीं है, दैट्स द रीजन इट इज यू नो इट लुक्स लाइक स्पेशियस बिग। और इट इज कनेक्टेड विद द बालकनी, जो रनिंग बैल्कनी है दोनों बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। और यहां से हम नजारा ले सकते हैं, खूबसूरत नजारा। ये पूरा आपका टावर और कॉमन एरिया। चलिए चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो दिस इज मास्टर बेडरूम। ये है वॉशरूम, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, मतलब पहली नजर में आपको पसंद आ जाए कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। शावर एरिया बहुत कंजेस्टेड लगा मुझे इसका।
बहुत कंजस्टेड लगा, डिजाइन बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ विच इज ऑनेस्ट, आई शो यू हाउ मुझे मैं क्यों कह रहा हूँ इट्स कंजस्टेड। लुक एट मी, स्पेस इज रियली मतलब के बहुत, मुझे तो बहुत कंजस्टेड लगा। इट्स यू नो शावर एरिया बहुत का छोटा है, तो सीरियसली मुझे पर्सनली मुझे शावर एरिया बहुत छोटा लगा, मुझे मज़ा नहीं आया। बाकी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पहली नज़र में पसंद आने वाली चीज़ है। वुडन फ्लोरिंग जो है आपको बेडरूम से मिलेगी, ये भी कुछ खास साइज मुझे नहीं लगा। दिस इज द मास्टर बेडरूम, बट मैं वार्डरोब कहाँ बनाऊंगा, आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस। मास्टर बेडरूम मुझे बहुत छोटा लगा, बहुत ही छोटा है। ये सेम बैल्कनी वही जहां हम आए थे बेडरूम नंबर 2 से। स्पेशियस लगता है बाहर से जब आप एंटर करते हैं, बट इनफैक्ट जो रियलिटी है बेडरूम्स में आने के बाद वो थोड़ी सी खलती है। सामने आपका गोल्फ एस्टेट, वहीं आपका बन रहा है स्काई सिटी हाइट्स, ये पीछे पूरी अरावली बेल्ट, और ये आपका क्लब। लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आती रहेंगी मैं अपडेट करता रहूँगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपके कोई भी सवाल हो या किसी और प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी सवाल हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। यू कैन व्हाट्सअप मी, अगर आप मुझे कॉल करना चाहें, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं आपकी कॉल का ज़रूर जवाब दूंगा। मोर डिटेल्स ऑन M3M प्रोजेक्ट्स और एनी प्रोजेक्ट्स इन एंटायर गुड़गांव लेट मी नो, माई नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज़।